भारत और इंग्लैंड के बीच आज सुपर सैटरडे के दिन T20 सीरीज का डिसाइडर मुकाबला खेला जाना है। दरअसल चौथे T20 में भारतीय टीम ने अंग्रेजों को 8 विकेट से हरा कर शानदार जीत दर्ज की थी। ऐसे में आखिरी मुकाबला अब बेहद रोमांचक हो गया है। ऐसे में आज के मुकाबले में क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए और किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा, इस पर भी बातचीत होनी जरूरी है। दरअसल खबरों की माने तो आज के मुकाबले में कप्तान कोहली शायद रेस्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं। विराट ने पिछले मुकाबले में टॉस के दौरान ही ये बात कहा था कि इस समय थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स का भी है, क्योंकि हम यहां पर ज्यादा T20 इस साल नहीं खेलने वाले, इस वजह से हम अपने खिलाड़ियों को परखना चाहते हैं। ऐसे में खबरों की माने तो आज के मुकाबले में रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे ईशान किशन। वहीं 3 नंबर पर खेलते नजर आएंगे स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। 4 नंबर पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ सकते हैं। 5 नंबर की बात की जाए तो 5 नंबर पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं KL राहुल। 6 नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है, यानी कि राहुल को आज थोड़ा सा डिमोट किया जाएगा क्योंकि लय में नहीं है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो शायद उनको इस बात का फायदा मिले। 7 नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। 8 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे। 9 नंबर पर आज शार्दुल ठाकुर की जगह टी नटराजन को मौका दिया जा सकता है क्योंकि वो बायोसिक्योर बबल के अंदर एंटर कर चुके हैं। इसके अलावा 10 और 11 नंबर पर भुवनेश्वर कुमार और राहुल चाहर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर ये प्लेइंग 11 भारत के लिए लगभग सही नजर आ रही है। फाइनल T20 के लिए फिर से पूरी टीम बदलने में अब कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। वही इंग्लिश टीम की अगर बात की जाए तो आज वो सीरीज जीतने के इरादे से उतरेंगे। वही टीम इंडिया आज अंग्रेजों का विजय अभियान रोकने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।